नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर अपने वीडियो के बारे में बताने के लिए चैनल पर ट्रेलर पिक्चर लगा सकते हो। ट्रेलर लगाने से ये पता चलता है कि आप अपने चैनल पर किस तरह की वीडियो अपलोड करते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने चैनल पर ट्रेलर पिक्चर कैसे लगाएंगे, अपने वीडियो का ट्रेलर कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर अपने वीडियो का ट्रेलर लगाओगे और ट्रेलर पिक्चर लगाओगे तो आपके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइब आने की संभावना बढ़ जाती है और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने वीडियो का ट्रेलर कैसे लगाएंगे वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, मैं हूं भारत मोबाइल और आप चैनल देख रहे हैं भारत मोबाइल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे हम सर्च बार में क्या करेंगे, youtube.com सर्च करेंगे, टाइप करेंगे। तो हमने टाइप कर दिया, उसके बाद में दोस्तों हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में दोस्तों, इस प्रकार से आपका यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपका यूट्यूब इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, राइट साइड कोने में आपका चैनल का जो लोगो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला है आपका चैनल का लोगो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूअर चैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूअर चैनल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आगे वाला पेज इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कस्टमाइज चैनल, जो कि आपका ये चैनल है। तो कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक कर देना। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद में YT स्टूडियो में आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, YT स्टूडियो में आपका चैनल इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये वाला दो बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसी में आप अपने वीडियो का ट्रेलर लगा सकते हो। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो का ट्रेलर लगाएंगे। पहले वाले में अगर हम लगाएंगे, जिस वीडियो का ट्रेलर लगाएंगे वो वीडियो आपके न्यू व्यूअर्स को देखने को मिलेगा। जब भी कोई आपके चैनल पर न्यू व्यूअर्स आएगा, आपके चैनल को सर्च करेगा, तो उसको पहले वाला वीडियो ही दिखाई देगा। और दूसरे वाले में जो भी वीडियो हम लगाएंगे वो जो आपका पुराना सब्सक्राइब है, व्यूअर्स है, उसको ये दूसरे वाला सेकंड वाला वीडियो दिखाई देगा। दोस्तों, ऐसे तो आपके चैनल को कोई भी सर्च करेगा तो उसको यही वाला दो वीडियो पहले दिखाई देगा। अगर आपका वीडियो का थंबनेल अच्छा रहा तो आपके वीडियो को वो क्लिक करके वॉच कर सकता है। वॉच करने से आपके वीडियो को और भी दूसरे वीडियो को वॉच कर सकता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा रहा तो। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने वीडियो का ट्रेलर कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे साइट में ऐड लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा सारे वीडियो आपका, जो भी आपने अपलोड करके रखा वो वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से किसी एक वीडियो को आप ले सकते हो जो आपका वीडियो अच्छा कॉन्टेंट है और थंबनेल अच्छा बना हुआ है। न्यू वीडियो यहाँ पे आपको पहले वाले में न्यू वीडियो ही लगाना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहले वाले में न्यू वीडियो लगाने के लिए मैं ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लिया, अभी ये हमारा वीडियो यहां पे लग गया, ट्रेलर लग गया। और सेकंड वाले में भी हम लगाने के लिए इसी प्रकार से यहां पे क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर से हम दोस्तों यहां से कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहां से ये वाला वीडियो ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो लेने के बाद में दोस्तों, ये वाला वीडियो यहां पे लग चुका है। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पे पब्लिक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये पब्लिक पे आपको क्लिक करना है। जब तक आप पब्लिक पे क्लिक करना ही करोगे आपका ये वीडियो यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इसके ऊपर पब्लिक के ऊपर सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, हमने पब्लिक के ऊपर सेव कर लिया। सेव करने के बाद में दोस्तों, हमारा जो वीडियो लगाया था, ट्रेलर लगाया था, वो ट्रेलर यहाँ पे लग गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने चैनल पर ट्रेलर पिक्चर लगा सकते हो, ट्रेलर में वीडियो लगा सकते हो, ट्रेलर वीडियो लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।